दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आज एक आम समस्या हो गई है, पर इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए समय पर इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ कुछ बदलाव लाकर और दवाइयों को इस्तेमाल किए बगैर भी ब्लड प्रेशर को कम करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डॉक्टर अजीत मेहता जी की पुस्तक स्वदेशी चिकित्सा सार में से कुछ घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आप आसानी से अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या गंभीर होने पर आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर अजीत मेहता जी की इस उपयोगी पुस्तक में इस समस्या से संबंधित अनेक उपाय दिए गए हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 उपाय ही शेयर करने जा रही हूं और आशा करती हूं कि आपको इनसे अवश्य ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, दोस्तों पहले उपाय के लिए आपको प्याज का रस और शहद चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके घर में अवश्य ही उपलब्ध होंगी। तो प्याज का रस और शुद्ध शहद बराबर मात्रा में मिलाकर प्रतिदिन 2 चम्मच यानी 10 ग्राम के बराबर दिन में सिर्फ एक बार लें। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा आप 1 सप्ताह तक करके देखें। अगर आपको इससे फ़ायदा लगे तो आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ दिन और ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा उपाय। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए तरबूज के बीज की गिरी और सफ़ेद खसखस। दोनों को अलग अलग पीस कर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और फिर 3 ग्राम के लगभग यानी 1 चम्मच सुबह व शाम खाली पेट पानी के साथ लें। इससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है और रात में नींद अच्छी आती है, और साथ ही साथ अगर सिर दर्द हो तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों, इनके साथ साथ आप कुछ सहायक उपचार भी कर सकते हैं, जैसे कि रात में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी प्रातः पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो 4 तुलसी की पत्तियाँ व 2 नीम की पत्तियाँ 2-4 चम्मच पानी के साथ घोटकर 5 से 7 दिन सवेरे खाली पेट पी लें। इससे अवश्य ही फायदा होगा। दोस्तों, ये सारे उपाय आसान व फ़ायदेमंद हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपनाएं, और अगर आपको इनसे फ़ायदा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।